नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी एग्जाम। आज हम आपको बताने वाले हैं टर्नर से संबंधित प्रश्न उत्तर, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्ण देखें, यह आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। हमारे चैनल पर टर्नर से रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियो है जहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लेज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए खालिस्तान जिंक जिंक प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, रिंग जिंक। प्रश्न नंबर दो है, घर्षण कोण क्लच का खालिस्तान में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, स्क्रोमेस। प्रश्न नंबर तीन है, धातु को पत्थर में बदलने का गुण कहलाता है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, आघात वर्धनीयता। प्रश्न नंबर चार है, कौन सा हेड टूल प्राय फोर्जिंग एवं रिवेटिंग में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, वॉल पिन हैमर। प्रश्न नंबर पाँच है, ड्राइविंग प्लेट प्रयुक्त होती है, तो इसका उत्तर रहेगा बी, लेस डोन के साथ सेंटर के बीच ड्राइविंग में। प्रश्न नंबर छः, कौन सा फास्टनर अर्धस्थायी है, तो इसका उत्तर रहेगा बी, रिवेटिंग। प्रश्न नंबर सात, टर्निंग के समय जॉब की गति खालिस्तान अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है, तो इसका उत्तर रहेगा बी, नर्लिंग। प्रश्न नंबर आठ, किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट हो जाता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ए, चौकोर बोल्ट। प्रश्न नंबर नौ, निम्न में से कौन सा टीपीएम की आवश्यकता में नहीं होता, तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, बेहतर सेहत और सुरक्षा। प्रश्न नंबर 10, एक शाफ्ट की कॉपी के लिए खालिस्तान प्रकार की टेम्पलेट प्रयोग की जाती है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, बेलनाकार। प्रश्न नंबर 11, इस सेल्फ सेटरिंग चक कहते हैं, तो इसे का उत्तर रहेगा डी, श्रीजाचक। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस धातु से तार खींचे नहीं जा सकते, तो इसका उत्तर रहेगा सी, डलवा लोहा से धातु के तार नहीं खींचे जा सकते। प्रश्न नंबर 13, टेपरिंग का क्या उद्देश्य है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, कड़ेपन को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 14, स्लाइडिंग तथा रिंग फिट किस प्रकार के फिट है, तो इसका उत्तर रहेगा ए, क्लियरेंस फिट। प्रश्न नंबर 15, विमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, टॉलरेंस। प्रश्न नंबर 16, सॉफ्ट शोल्डरिंग की जाती है, तो इसका उत्तर रहेगा डी,
450 डिग्री से सेल्सियस से अधिक तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, आधा नट इससे जुड़ा होता है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, लेथ पर श्रेड कटाई। प्रश्न नंबर 18, मेटिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है, तो इसका उत्तर रहेगा डी, अलाउंस। प्रश्न नंबर 19, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा सी, जॉब को सहारा देने के लिए। प्रश्न नंबर 20, हैमर की चोट द्वारा चिजल के फैले हुए हेड को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा बी, मशरूम। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।